क्या हुआ भाई? महादेव हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय शिव शंभु, जय शिव, जय शिव शंभु। रुक जाओ, रुक जाओ, यहाँ रुको, पूरा फिट से करो। जैसे खुल रहा है वैसे ही बनना चाहिए। एक भी सामान जो रास्ते में गिरा हम फेंक देंगे। वहाँ क्या मनोकामना, क्या तुंगनाथ, और वो दूसरा वाला जहाँ पैदल गए थे 60 किलोमीटर। भाई इतनी सीढ़ियाँ चढ़ के जानी है, इस बार गिनेंगे कितना है, पिछले बार भूल गए थे। पहले से ही लग रहा है कि चलते चलते गिर जाएंगे। कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। वो देखिए वहाँ बैठे हमारे महादेव, वहाँ पे 10x जूम कर दिया, पूरा फट ही गया। चलो पूरी हालत ख़राब हो जा रही है। एक तो सुबह से कुछ खाए नहीं, बस ब्लैक कॉफ़ी पिए थे। अब यहाँ से निकलेंगे, फिर कहीं मस्त रुक के खाएंगे, उसके बाद सीधा पोखरा निकलेंगे। रास्ते में कोई व्यवहार नहीं किसी से भी। चल भाग इधर से। नज़ारे चेक करो, क्यों सांस रोक लियो? बाबा की चढ़ाई बहुत कठिन है। क्या केदारनाथ, क्या मुक्तिनाथ, क्या पशुपति, क्या मनोकामना, क्या मनोकामना, क्या तुंगनाथ, तुंगनाथ, शुंगनाथ, उसके बाद अमरनाथ, और वो दूसरा वाला जहाँ पैदल गए थे 60 किलोमीटर, नेपाल वाला प्रभुनाथ। वो चढ़ाई नेक्स्ट लेवल की है। ये चढ़ाई, ये स्वर्ग के द्वार हैं। सीधा देखो, सीधा उसी के कहते हैं प्रभुनाथ को, इसका द्वार ही स्वर्ग के द्वार यही है। सीधे चलो, चलते चलो, 12 बजने वाला है। क्या ही हालत दिखाएं, हालत पूरी खराब है। ठीक है, बहुत जल्दी थक गए। मुक्तिनाथ स्क्वाड, मुक्ति क्षेत्र, विच ट्रांसलेट टू लिबरेशन एरेना मोक्ष। इट इज़ वन ऑफ द अमंग द 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट होली प्लेसेस ऑफ वैष्णविज्म लोकेटेड इन नेपाल। फॉर मोर इसके अंदर बार कोड। फाइनली आ गए अंदर। जाओ जल्दी, जाओ जल्दी, जाओ 3 बार करना, 3 बार। एक लोग की तबीयत भी खराब हो गई, पड़े हुए हैं यहाँ। जाइए भाई, ना आइए, मर जाइए, ना ही बात है। क्या हुआ भाई? उससे ठंडा खाऊ है। यार पवित्रम पवित्रम होगा भाई, पवित्र। बहुत ठंड है, हमको नहाने की हिम्मत नहीं कर रही है। ये इन्हीं लोग के बस की बात है बस। चलो भाई करके आ जाए। लो चलिए चलते हैं। और हमारे ब्लॉगर साथ जा रहे हैं राइडिंग करने, देखते हैं महादेव की कितनी शक्ति देते हैं। महादेव जी बहुत शक्ति दिए, तभी तो यहाँ तक आए। शक्ति नहीं देते तो बीच रास्ते से लौट गए होते, जितना बारिश में हम लोग कल भीगे। रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, चलो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, जय शिव शंभु, जय शिव शंभु, जय शिव शंभु, जय शिव शंभु। हर हर महादेव, 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 जय शिव शंभु, जय शिव,
जय श्री स्वामी। रुक जाओ यहाँ रुको, पूरा फिर से करो। जय शिव शंभू, जय शिव शंभू, जय शिव शंभू, जय शिव शंभू, जय शिव, जय शिव शंभू, जय शिव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। वहाँ भी रोके, मेन मंदिर पे रोक दे, रोक दे। क्यों भाई, आओ। ओम नमः शिवाय। हाँ भाई, पूरा हाथ बर्फ हो गया, देखो पूरा ठंडा हो गया। पर महादेव में बहुत शक्ति है, महादेव ने बुलाया तो शक्ति तो होगा। फिर से 160 किलोमीटर देखने कितना टाइम लगता है। बारिश तो होगी पक्का है, भीगना है फिर से, ये भी पक्का है। अभी बज रहा है लगभग 1 बज जाएगा यहाँ से निकलते निकलते भाई, हम लोग को लगभग 10 बज जाएंगे रात के पोखरा पहुँचते। फिर मस्त सोएंगे, अब सुबह जब भी उठेंगे तभी अब घर जाएंगे। अब ट्रिप यहीं पे ख़त्म हो रही है, थोड़ा बुरा लग रहा है लेकिन क्या कर सकते हैं, जल्दी कोई और ट्रिप प्लान होगी। सबका मुँह उतरा हुआ है, क्योंकि वापस जाने का जो गम होता है ना, बस मन करता है अब कैसे घर आ जाए, या तो घूमने निकल जाए या तो कैसे घर आ जाए। देखते हैं जैसा होता है बताते हैं। बाकी इस ब्लॉग को यहीं एंड कर रहे हैं क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई है। बाकी जय श्री राम, बाकी जय श्री राम, हर भोले, हर हर महादेव, हर हर शंभु। अच्छे से रहिए, सबको खुश रखिए, अपने भी खुश रखिए। तब तक के लिए बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय। पूरे रास्ते में फ्रेश क्रीम गिरी हुई है। अबे अब किधर जाए, अरे